हेलो एंजेल। हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपके सामने एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ टमाटर लिए हैं, तो सबसे पहले हम इन टमाटर को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और वो भी इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमने कुछ बाउल्स लिए हैं, ये हमारे पास 2 बाउल्स हैं। अब हम इन टमाटर को इन बाउल्स के अंदर रखेंगे। देखिए, अब हमारे सब टमाटर बाउल में आ गए हैं। ये हमारे 2 बाउल्स हैं और दोनों में हमारे टमाटर इक्वल होने चाहिए, मतलब बराबर बराबर संख्या में टमाटर दोनों बाउल्स के अंदर आने चाहिए। इसके लिए हमें काउंट करके चेक करना है कि हमारे टमाटर इक्वल हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 टमाटर इस बाउल में हैं, 3 टमाटर इस बाउल में हैं। 1, 2, कितने बाउल्स हैं? 2 बाउल्स हैं। ये हमारे 2 बाउल्स हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 2 ग्रुप्स हैं। तो हमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे एक बाउल में कितने टमाटर हैं। 1, 2, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। दूसरे बाउल में चेक करिए, 1, 2, 3, अब टोटल हम काउंट करेंगे दोनों को एक साथ। जो काउंट करेंगे तो उसके लिए हमें इनके बीच में प्लस का निशान लगाना है। अब टोटल करने के लिए 3 + 3 कितने होते हैं? 3 + 3 हमारे होते हैं 6। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे दोनों बाउल्स में 6 टमाटर हैं। तो काउंट करिए फर्स्ट बाउल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यस, राइट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दोनों बाउल के टमाटर को जब हमने जोड़ा तो हमारे 6 हुए, और जो हमने सम किया उसमें भी हमारे 6 टमाटर हुए। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितने बाउल हैं। 1, 2, राइट हियर 2 बाउल्स, या 2 ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना है एक बाउल के अंदर कितने टमाटर हैं। तो एक बाउल में चेक करिए, 1, 2, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू का। अब 2 की टेबल 3 बार आप चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारा आंसर आया 6। तो चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आंसर। टोटल हमारे जो टमाटर हैं वो 6 है। अब हम इसको बोलेंगे 2 × 3 = 6। That's all. Thank you.